इंदौर नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले मतदाता सूची में 1.5 लाख मतदाताओं के फर्जी होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने एक ऑब्जर्वर को इस पूरे मामले की जांच के लिए इंदौर पहुंचाया है। पिछले दिनों पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर ये मुद्दा उठाया था। इन फर्जी नामों को हटाने और भौतिक सत्यापन की मांग रखी थी। सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने प्रतिनिधिमंडल के साथ ऑब्जर्वर से मुलाकात की, उन्हें फर्जी मतदाताओं के बारे में जानकारी दी। विनय बाकलीवाल के मुताबिक ऑब्जर्वर ने 3 दिन में इस पूरे मामले के निराकरण की बात कही है। वहीं विनय बाकलीवाल का यह भी कहना है कि अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी ठीक नहीं हुई तो वो हाईकोर्ट तक जाएंगे। आज अजय शर्मा जी ऑब्जर्वर के रूप में राज्य निर्वाचन आयोग ने उनको यहाँ पर भेजा गया है। हमने 3 दिन पूर्व भोपाल में जाकर आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में भाई दिलीप कौशल जी, रवि गुंडानी, राजेश चौक से, इम्तियाज बेली, सलू सनम सब लोग ने जाकर वहाँ पर शिकायत करी थी। जो लगभग 1.5 लाख मतदाता फर्जी मतदाता इस मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, उसको लेके हमने कुछ दिन पूर्व संभागायुक्त कार्यालय में जाकर संभागायुक्त साहब से भी